नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। वैसे तो हमें आए दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि अकाल्पनिक होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे चमत्कार जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, ये क्या था, ये कोई ऊपर वाले का चमत्कार या कुछ और। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये क्या है, कोई शक्ति या कोई और चीज जिसकी कल्पना अकाल्पनिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में ऐसी अजीब घटना सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर पार्वती नदी की लहरों के साथ एक नीली रोशनी नजर आई और यह रहस्यमयी रोशनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। देर रात की यह घटना है, फिलहाल पुलिस के पास मामला पहुँचा है। जानकारी के अनुसार कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी में गुरुवार देर शाम को रोशनी दिखी। घटना की वीडियो भी सामने आई है। काफी देर तक यह रोशनी नदी की लहरों में चमकती रही। इसी दौरान जैसे ही लोगों की रोशनी के बारे पता चला तो वह मौके पर पहुंचे और नजारा देखा। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा आ रही। कुछ लोगों ने इसे होसपाइन गैस बताया, कुछ ने इसे चमत्कार कहा। साथ ही शुक्रवार को चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ग्रह एक साथ देखे गए और लोग इसे खगोलीय घटना से भी जोड़ रहे हैं। साथ ही कुछ ने कहा कि यह टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। एक शख्स ने लिखा है, यह माड़ी ही हो सकता है। माता पार्वती का मणि नहाते समय इस नदी में खो गई थी, इसलिए इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा था। वहीं एक युवक ने कहा कि इस नदी में हीरे बहती हैं और ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है। एक तरफ साइंस अपना अलग दावा करता है और एक तरफ भगवान को मानने वाले लोग चमत्कार कहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है मामला। तो देखा आपने कि इस दृश्य को देखकर लोग अचंभे में हैं, सोचने पर मजबूर हो गए कि ये है तो है क्या, ये किसी भगवान का चमत्कार या आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हम सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें।